बीकानेर के रविंद्र रंगमंच में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने शिरकत की। उन्होंने आम जनता से सीधा जनसंवाद किया। इस दौरान बीएल सोनी ने कहा कि राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की 50 ब्रांच है, उन सभी को हाईटेक बनाते हुए नई मशीनरी के साथ थानों को संचालित किया जाएगा। वहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करना हमारा उद्देश्य है। जनता बहुत जागरूक है, जनता आए दिन भ्रष्टाचार से जंग लड़ती है, उसी के चलते हर साल खूब लोग एसीबी के शिकंजे में आते हैं। तो वहीं हम लोग भी जनता के बीच पहुंचकर जनसंवाद करते हैं, जिसके कारण लोगों में भी ज्यादा जागरूकता आती है और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर और काबू पाने के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयास भी कहा जा सकता है। इस दौरान एसीबी डीजी बीएल सोनी से खास बातचीत की बीकानेर के एवन टीवी के बीकानेर ब्यूरो चीफ के सिंह ने। हुए थे रिश्वत नहीं दी तो हमारा काम ये तो। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी बीएल सोनी साहब, बात करेंगे। बीकानेर दौरे पर हैं सोनी साहब। इन दिनों एक बात दिखने में आ रही है सामने, अधिकारी और खासकर कर्मचारी इन दिनों पिछले सालों में खूब ट्रैप हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। आपको एक तो सबसे पहले बधाई, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। मैं उन सभी परिवादियों का बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा जिन्होंने एसीबी में विश्वास व्यक्त किया और बड़ी संख्या में ट्रैप कराए, जिसमें न केवल बड़े अधिकारी और बड़ी संख्या में अधिकारी ट्रैप हुए हैं, बल्कि उनके साथ दलाल भी पकड़े गए हैं और स्प्रेड भी पूरे राजस्थान में हुआ है। और तो और भारत सरकार के भी पिछले 2 साल में करीब 60 के करीब अधिकारी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं रिश्वत लेते हुए। सर, अगर बात करें, जनसंवाद कार्यक्रम बीकानेर में आयोजित हुआ, काफी भीड़ भी काफी थी, ऐसा पहली बार अवसर मिला देखने का कि जब एक एसीबी के डीजी जो बीकानेर पधारे हैं और पधारने पर ये सब कुछ इतना बड़ा वेलकम वेलकम के साथ इतने बड़े सवालात, उन सवालात को देखने के बाद और जनसंवाद को देखने के बाद क्या कहेंगे? देखिए, इसका सबसे पहली बात ये कहूंगा कि ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं। बड़ी संख्या में लोग आए आकर के और इंटरेक्ट किया, सवाल पूछे। पॉजिटिव बात जो सबसे बड़ी जो एक जो हमें एक ऊर्जा देती है कि इतने सारे लोग इस जंग में इस चैलेंज में साथ हो रहे हैं और उन सब ने पूरा विश्वास व्यक्त किया कि वो जरूर इसके खिलाफ लड़ेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी एक बात आती है कि लोग त्रस्त हैं, लोग बड़ी संख्या में त्रस्त हैं और आम जीवन में उनको रोज कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ता है, उसको लेकर के त्रस्त हैं, ये भी देखने को मिला। उसके अलावा अगर हम बात करें काफी लंबित पड़े केसेस की, जहां जैसे कि आज जनसंवाद में देखने को मिल रहा था कि लगभग 40-40 साल पुराने केसेस भी कुछ सामने आए, 30-30 साल पुराने भी केसेस सामने आए, तो उन केसेस में लोगों को सजा भी हो चुकी है, जिनका पैसा जमा है उनको पैसा भी अब तक नहीं मिला, यानी यूं कह सकते हैं कि माल खाने में वो पैसा शायद अभी भी जमा है। तो इन इस चीजों को आप किस तरह से देखिए, जो प्रकरण जिनके लंबे टाइम से पेंडिंग होने की बात हुई वो पेंडिंग ट्रायल है। हमारे यहाँ क्या है कि स्पेशल कोर्ट्स बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, बहुत 3-4 जिलों पे मिला के एक जगह कोर्ट है, तो अब उनमें स्पीड और करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें चुनौती के रूप में लेने चाहिए। और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो मुद्दे रखे गए हैं, चाहे वो लंबी पेंडेंसी के हो, लंबे समय तक मुकदमे रहने की हो, हम उनको बहुत ही विनम्रता से उसको स्वीकार करते हैं और उसमें आने वाले समय में बहुत अच्छी कुछ प्रगति देखने को मिलेगी। सर, जमाना हाईटेक हो गया है, अब चूंकि बीकानेर में एक बहुत बड़ी सफलता भी हाथ लगी, ऑनलाइन एक ट्रैप भी हुआ, अब क्या माने हम आने वाले समय में क्या ऑनलाइन इस चीज को बढ़ावा देते हुए क्या हर जगह को, हर क्षेत्र को राजस्थान के उसको मजबूत किया जाएगा? निश्चित रूप से, क्योंकि अब वो ट्रेडिशनल बात नहीं रही कि रंगे हाथों ही लोग पकड़े जाएंगे, तो हमारी जो टेक्निकल विंग है उसको भी काफी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और जो देखिए, कुछ भी हम अगर मशीन कुछ भी कैसे भी लेके आएंगे, जब तक हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम ज्यादा सफल नहीं हो सकते। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करने के लिए ही हम इस तरह के जनसंवाद कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और वो जहां भी कहीं भ्रष्ट आचरण को होते हुए देखें तो उसकी सूचना हमको दें, हमारे साथ मिलकर के कार्रवाई कराएं। और हम ये चाहते हैं कि हर गांव में, हर नगरपालिका के वार्ड में, हर शहर में लोगों को ये पता रहे कि वो एसीबी को संपर्क कर सकते हैं। देखिए, फिर भी कई लोग ऐसा उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे कि वो दे लेके निकलने की कोशिश करेंगे,
लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अधिक से अधिक इस जागरूकता की मुहिम को पहुंचाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और वो उस समय पे जब कोई उनसे रिश्वत मांग रहा है तब 1064 को कॉल करके उसको पकड़वाएं। राजस्थान में थानों को भी हाईटेक किया जाएगा। देखिए एसीबी की कुल हमारी 50 इकाइयां हैं और हमने काफी प्रयास किया है कि उनमें नए उपकरण हों हमारे सर्वेलेंस के, विजिलेंस के, और सबसे बड़ी तो हमारी ताकत आम जन है, उनसे जुड़ने का प्रयास हर चौकी कर रही है। देखिए आम जन से जुड़ने का प्रयास हर चौकी कर रही है। आने वाले समय में थानों को भी हाईटेक किया जाएगा, खासतौर पर एसीबी के थानों को, और लंबित मामलों को भी एक तरह से जो लंबित है उन चीजों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये कहना है बीकानेर आए राजस्थान के डीजी बीएल सोनी साहब का, जो कि बीकानेर में तमाम तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना है। के सिंह, एवन टीवी, बीकानेर।